क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बच्चे का हेड डाउन करना बहुत ज़रूरी है। और जब आपका हेड डाउन हो जाता है बच्चे का और बच्चे ने गर्भनाल भी नहीं फंसाई होती है, प्रॉपर जो जितना पानी की क्वांटिटी यानी कि एमनियोटिक फ्लूड की क्वांटिटी होनी चाहिए प्रॉपर, वो सारा सही ढंग से होता है। एक्चुअली में गर्म तासीर की चीज़ें अगर आप 9वें महीने में लेते हैं तो वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि आप समझिए आप में से कितने सारे वीवर ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बहुत ही इजी वे से डिलीवरी हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको हॉस्पिटल हॉस्पिटल भटकने की ज़रूरत ना पड़े, तो आज की इस वीडियो से मैं दिव्या आप सभी लोगों को बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी देने वाली हूँ। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं 9वें महीने की शुरुआत से, क्योंकि जब आपका 9वां महीना स्टार्ट होगा उसके बाद ही आपकी डिलीवरी होगी। कई केसेस में पहले भी हो जाती है, जिसको कि प्री मेच्योर डिलीवरी बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्री मेच्योर डिलीवरी की बात नहीं कर रहे हैं, 9वें महीने में यानी कि सही समय के बाद एक जो गर्भ का समय होता है, गर्भकाल होता है, वो पूर्ण होने के उपरांत हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, हम प्रसव की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, 9वें महीने की शुरुआत में भी कई सारी महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है, 9वें महीने के बीच में भी डिलीवरी हो जाती है, और कई बार तो 9वां महीना पूर्ण होने के बाद आपकी डिलीवरी होती है। तो आपका 9वां महीना चल रहा है तो आप अभी से मत घबराएं कि हमारी फ्रेंड्स प्रेग्नेंट थी या फिर हमारे ग्रुप में और लोग प्रेग्नेंट थे जिनको आप जानते हो, उनकी डिलीवरी 9वें महीने की शुरुआत में ही हो गई, आपकी नहीं हुई, आपका 9वां महीना का मिडिल आ गया, आप 9वें महीने के लास्ट तक पहुंच गए, अभी आपकी डिलीवरी नहीं हुई। तो डियर हम आपको बोलना चाहेंगे, सबकी डिलीवरी का समय अलग अलग होता है, सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, सबके लक्षण बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ्रेंड की डिलीवरी 9वें महीने की शुरुआत में हो गई है तो आपकी भी डिलीवरी शुरुआत में ही होनी चाहिए, या फिर उसकी लास्ट में हुई है तो आपकी शुरुआत में क्यों हो गई। ये सबका अलग अलग होता है और सेम सबका नहीं हो सकता है। हालांकि आपको डॉक्टर ड्यू डेट देता है, ड्यू डेट की बात करें तो जो आपका लास्ट पीरियड होता है उसके फर्स्ट डे में 6 माइनस करने के बाद जो डे आता है उसमें फिर डे और 9 मंथ ऐड करने के बाद वो आपकी ईडीडी हो जाती है। तो वो एक अनुमान के तहत दी जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लास्ट पीरियड आया था उसके 6 दिन बाद आपने कंसीव ही कर लिया हो, क्योंकि हमारा ओव्यूलेशन होता है जो वो 15वें दिन के समथिंग होता है। तो ये सारी एक अनुमान के तहत तारीखें दी जाती हैं। वो अगर आपकी ड्यू डेट में डिलीवरी नहीं हो रही है तो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, कई सारी महिलाओं की ड्यू डेट से पहले भी हो जाती है और कई महिलाओं की तो एग्जैक्टली ड्यू डेट वाले दिन ही होती है और ड्यू डेट निकलने के बाद 1-2 दिन बाद कई लोगों की होती है। हालांकि जब आपकी ड्यू डेट निकल जाए, मोस्टली केसेस में ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक सबकी डिलीवरी हो जाती है, कुछ परसेंटेज होते हैं जब आपकी डिलीवरी नहीं होती है। तो अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है तो आप बहुत ज़्यादा वरी ना हो, प्लीज़ आप अपने गायनिक के पास जाएं, एक अल्ट्रासाउंड करवाएं और उस हिसाब से आपको डॉक्टर बोलेगा कि आपको क्या करना है, तो आप ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन हाँ, ड्यू डेट निकलने के बाद 1-2 दिन तक ही आप घर पर वेट करें, उसके बाद आप अपने गायनिक के पास जाएँ। और जो लोग नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, हम उनके बहुत ही सुटेबल और बहुत ही फैक्ट, किसी को हर्ट करने जैसा नहीं है बट रियलिटी है, कि अगर आप समय से पहले और बार बार अगर आप डॉक्टर के पास चक्कर लगाते हैं और डॉक्टर्स की एक बात बोलें तो 100% डॉक्टर सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैनी केसेस में और मैनी हॉस्पिटल्स में आजकल ऐसा होता है कि उनको आपकी डिलीवरी से, उनको आपके शरीर से, उनको आपके बच्चे से कोई मतलब नहीं होता है, उनको मतलब होता है तो सिर्फ पैसे से। मोस्टली सिजेरियन डिलीवरीज आज की डेट में ज़्यादा हो रही हैं। उसका कारण हम आपको अगर खुले शब्दों में बताएं तो
आप समझिए कि जो सिजेरियन डिलीवरी होती है वो कुछ घंटों का काम होता है, उसमें कुछ घंटे ही काफ़ी होते हैं आपकी डिलीवरी करवाने के लिए। और इसके साथ में उसमें आपको चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ता है। और जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है वो 10 से 12 घंटों का प्रोसेस होता है, कई बार 15 घंटे भी लग जाते हैं। अगर आप थोड़ा जैसे ही आपका पेन स्टार्ट होता है आप पहुंच जाते हैं उसके बाद तो। और उसमें उनको ज़्यादा प्रिफर करने की ज़रूरत होती है, यानी कि उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और सिजेरियन की अपेक्षा जो नॉर्मल डिलीवरी का चार्ज होता है वो भी कम होता है। तो जाहिर सी बात है आप खुद समझदार हैं कि फ़ायदे का सौदा कौन सा है। और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से 10 से 15% महिलाओं की ही डिलीवरी करनी चाहिए सिजेरियन। और सिजेरियन उस केस में होता है जब माँ या बच्चे में से किसी एक को खतरा हो, परंतु आजकल लगभग 60 से 65% महिलाओं की सिजेरियन ही होती है। तो आप समझिए क्या हर 100 महिलाओं में से 60 महिलाओं में ऐसा होता होगा कि माँ या बच्चे में से किसी एक को खतरा हो। आई होप कि आप अभी भी बहुत समझदार हैं, इस बात को भी समझ रहे होंगे। हालांकि हम डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस फील्ड से हम खुद ताल्लुकात रखते हैं, परंतु ये सच्चाई है, जो रियलिटी है वो है। और बहुत से हॉस्पिटल बहुत अच्छे भी हैं जिनको सिर्फ आपकी हेल्थ से मतलब होता है, परंतु ऐसे हॉस्पिटल मिलना अगर आपको मिला है तो बहुत ही लकली आप बहुत लकी हैं। और अब बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहली जो टिप है वो है राइट टाइम। आपको उचित समय पर ही अस्पताल जाना है, उचित समय पर ही आपको हॉस्पिटल विजिट करना है। आप समय से बहुत जल्दी पहले ना पहुंच जाएं, आपकी सिजेरियन डिलीवरी का ये भी कारण होता है। और पर्सनली मैं किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं करूँगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, परंतु जो WHO ने बोला है मैं वही बता रही हूँ। WHO के अनुसार जब माँ या बच्चे में से किसी एक को खतरा हो तभी हमें सिजेरियन करना चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। लेकिन एक बात हम आपको और बोलें, सपोज दैट आप 9वें महीने में गए और डॉक्टर ने बोला कि आपके अल्ट्रासाउंड में बच्चे ने गर्भनाल फंसा ली है या फिर गर्भ में ही पॉटी कर दी है और अब आपके बच्चे को रिस्क है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है आपको तो फिर आप ऐसे में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि जिसको आप 9 महीने से इतने संजो के रखते हैं, इतने सपने सजाते हैं जिसके लिए, अगर उसके लिए रिस्क बोला जाए तो फिर ऐसे में हमें लगता है अगर हमारे लिए सिजेरियन बोला गया है तो वही बेटर है, बस हमारा बेबी बॉर्न हो जाना चाहिए अच्छे से। तो प्लीज़ आप एट फर्स्ट आप 9वें महीने की शुरुआत में और अंत में एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं, यानी कि 2 अल्ट्रासाउंड। और इसमें डॉक्टर्स देखते हैं कि आपके बेबी ने हेड डाउन किया हुआ है या नहीं, पेल्विस में अपना हेड फंसाया है नहीं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बच्चे का हेड डाउन करना बहुत ज़रूरी है। और जब आपका हेड डाउन हो जाता है बच्चे का और बच्चे ने गर्भनाल भी नहीं फंसाई होती है, प्रॉपर जो जितना पानी की क्वांटिटी यानी कि एमनियोटिक फ्लूड की क्वांटिटी होनी चाहिए प्रॉपर, वो सारा सही ढंग से होता है। कई बार मदर को कुछ इश्यूज़ होते हैं, फिजिकल इश्यूज़ होते हैं, या फिर आपकी ट्वेंस या ट्रिपल बेबी हैं तो ऐसे में भी सिजेरियन करना पड़ता है। और फिर ऐसे केस में सिजेरियन आपको ज़रूर से करवा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जब डबल बेबी होते हैं या फिर ट्रिपल बेबी होते हैं तो उनमें से बच्चे को हो सकता है कई बार हेड वो नीचे नहीं कर पाते हैं। और मोस्टली टाइम अगर आपकी 12 प्रेगनेंसी है, ट्वेंस बेबी हैं, तो ऐसे में सिजेरियन ही करवाना चाहिए और सिजेरियन ही होता है। और कई बार हमें अस्पताल जाने का सही समय नहीं पता होता है, कई बार हमें लेबर पेंस का पता नहीं होता है। तो हम आपको बता दें जो लेबर पेंस होते हैं वो सपोज दैट अगर आपको पहला पेन आया तो पहले पेन और उसके बाद जब आपको दूसरा पेन आएगा तो उन दोनों पेन्स के बीच में जो समय का अंतराल होता है, वो जब आपको तीसरा पेन आए, चौथा पेन आए, तो समय का अंतराल धीरे धीरे कम होता जाए और जो दर्द की मात्रा है वो बढ़ती जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपका ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। और क्योंकि मोस्टली 8 मंथ में या 9 मंथ में हमें कॉन्ट्रैक्शंस आते रहते हैं जिनको कि फॉल्स लेबर पेन बोला जाता है, वो हमारे ट्रू लेबर पेन्स के आने के लिए प्रिपेयरिंग से पहले आते हैं वो।
तो अगर आप रिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको एक सबसे बेस्ट तरीका जो बोलना चाहेंगे वो ये कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्यों दर्द हो रहा है, तो आप एट फर्स्ट आप स्थूल पास करने जाएं। जैसे ही आप फ्रेश होंगे, तो अगर कई बार हमें कब्ज़ की वजह से भी पेन हो सकता है, तो अगर वो सारे इशूज़ हैं तो जैसे ही आप फ्रेश होने जाते हैं, फ्रेश होने के बाद आपको रिलैक्स महसूस होगा। सपोज़ दैट अगर आपको फिर भी रिलैक्स महसूस नहीं हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि एक नॉर्मल, जो आप नॉर्मल पेट दर्द में पेन किलर लेते हैं, आप एक पेन किलर लीजिए। और पेन किलर लेने के उपरांत अगर आपके दर्द में थोड़ा सा आपको रिलीफ महसूस हो रहा है, तब भी आप समझ जाएं, आप इजीली समझ जाएं कि अभी आपका लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी आपके जीवन में उस नन्हे से मेहमान के आने का समय नहीं हुआ है। और अगर वो दवा लेने के बाद आपके दर्द में थोड़ी सी भी आपको कमी महसूस ना हो, आपको 1% का भी रिलैक्स ना महसूस हो, तो वो ट्रूलेबर पेन होते हैं। क्योंकि जो हमें ट्रूलेबर पेन्स जब आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप कितनी भी हाई से हाई आप पेन किलर ले लें, आपके दर्द में 1% भी कमी नहीं होने वाली है। तो जब आपका ट्रूलेबर पेन स्टार्ट हो जाए, आप उसके बाद फिर आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल विजिट करना है। कई बार अगर आपको वाटर ब्रेक हो जाए या फिर आपकी कई बार महिलाओं को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जब आपको अपने गायनेक से इमीडिएटली मिलना है। और कुछ रेयर केसेस में तब आपको फिर आपको सिजेरियन भी प्रीफर किया जाता है, तो आप सिजेरियन फिर ऐसे में आपको करवाना पड़ता है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये कुछ टिप हैं कि आप चाहें तो एक्चुअली में गर्म तासीर की चीज़ें अगर आप 9वें महीने में लेते हैं, तो वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। क्योंकि आप समझिए, आपको स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्म तासीर की चीज़ें खाने से रोका जाता है, क्योंकि ऐसे में फिर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से मिसकैरेज हो सकता है, जो आपका गर्भपात है उसके होने की संभावना होती है। तो आपको शुरुआत के दिनों में गर्म तासीर की चीज़ें नहीं लेनी है, परंतु हाँ, जब आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो डिलीवरी होने से पहले कुछ दिनों पहले आप गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। जैसे रॉ पपाया है, पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का जूस है और खजूर है, जितनी भी आपकी समझ में हो कि गर्म तासीर की चीज़ें हैं, आप उन सभी का सेवन करें। ऐसे में मानते हैं कि जब गर्म तासीर की चीज़ों का आप सेवन करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, और जो वो हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है, मेन जो ज़रूरी है, वो है आपकी बेबी का हेड डाउन करना। तो आप अपने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं और ज़रूर जानें कि आपके बेबी ने हेड डाउन किया है या नहीं किया है। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आप सभी लोगों को बहुत कुछ हेल्पफुल जानकारी दे पाई हूँगी। और अभी भी आपके मन में कुछ सवाल या सुझाव हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। हमें आपके सवालों का, आपके सुझावों का पूरा इंतज़ार रहेगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, चलते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ ज़रूरी हेल्पफुल सीखा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चलते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे। थैंक यू।